जैसे जैसे हमारी चेतना बदलती है, हमारा चरित्र यानी कैरेक्टर भी बदलने लगता है। लेकिन जब हम अपने चरित्र को बदलते हैं तो इसका असर हमारी चेतना पर उसी तरह से नहीं पड़ता। वास्तव में अगर तुम अपने चरित्र को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी चेतना दब जाती है। इससे एक द्वैत, एक विभाजन उत्पन्न होता है। तुम्हारी चेतना एक प्रकार की रहती है और तुम्हारा चरित्र दूसरे प्रकार का बन जाता है, और वह दोनों कभी मिल नहीं पाते। तुम एक नहीं बल्कि दो या कहीं व्यक्तित्व बन जाते हो। तुम पॉलीसाइकिक बन जाते हो, एक भीड़ में बदल जाते हो। पॉलीसाइकिक शब्द पॉली बहु और साइकिक मनोगत से मिलकर बना है, जहां एक व्यक्ति के भीतर एक से अधिक व्यक्तित्व या मानसिक अवस्थाएं सह अस्तित्व में हो सकती हैं, जिसके कारण शांति के अनुभव के बजाय तुम अधिक न्यूरोटिक, अधिक शोरगुल से भर जाते हो। तुम सभी आंतरिक सामंजस्य और समरूपता खो देते हो। यही बात तथाकथित नैतिकवादियों के साथ होती है। वे केवल बाहरी तौर पर एक पैचवर्क का काम करते रहते हैं। वे लोगों को सिर्फ सफेदी करते रहते हैं। जीसस ने इसे व्हाइट वॉशिंग द ग्रेव्स यानी कब्रों की सफेदी करना कहा है। अंदर एक सड़ती हुई लाश होती है और बाहर तुमने इसे सफेद कर दिया है। बाहर से कब्र सुंदर दिखाई देती है। तुम इस पर गुलाब भी रख सकते हो, तुम इस पर फूल उगा सकते हो, तुम इसे सुंदर बना सकते हो, लेकिन अंदर से ये सिर्फ एक कब्र है। और यही मनुष्य की स्थिति है। और ये सब कुछ क्योंकि हमने चरित्र में बहुत अधिक विश्वास किया है। हम इसे जान सकते हैं या नहीं भी जान सकते, लेकिन दुनिया के 99% लोग बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी है, जैसे इवान पेवलोव, जो तुम्हारे बाहर के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देते हैं भीतर के बजाय, भीतर के विचार, भावनाएं और मोटिवेशन के बजाय। वे सभी मानते हैं कि तुम्हारा व्यवहार बदला जा सकता है, और फिर तुम बदल जाते हो क्योंकि तुम केवल अपना व्यवहार हो। चेतना का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है, ना कि बाहरी चरित्र का निर्माण। अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर हम ना केवल अपने आप को बदल सकते हैं, बल्कि एक अधिक सार्थक और संतुलित जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। प्रणाम।